नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे पौधों के नाम जिनको आप अपने सितंबर के महीने में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। वो पौधे कौन कौन से हैं, तो चलिए दोस्तों हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पौधा होता है आपका मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड लगाने के लिए दोस्तों आप ऊपर से उसके 3 से 4 नोड्स से आप अगर उसको कट कर लेते हैं तो वो आसानी से लग जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे देखिए कटिंग लगाया हुआ है इसमें। और इस बार दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको पूरा इसी में रहने दूंगा, लगा रहने दूंगा, जिससे कि इसका एक बॉल शेप बनेगा। और दोस्तों सारी एक सेम ही वेराइटी, सेम ही प्लांट के पौधे हैं। जो बैक साइड से मैं लाया था, जो रेड जाफरी होती है दोस्तों, ये उसके प्लांट हैं। और आप इनको दोस्तों इस टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। अगला है दोस्तों आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस देखिए दोस्तों, एक ये छोटा सा देखिए ग्लास है और इस ग्लास में देखिए मैंने कटिंग लगाया और देखिए कटिंग चल गई। तो आप ये दोस्तों अभी भी टाइम है आप हिबिस्कस लगाने का, इस टाइम पर भी आप हिबिस्कस लगा सकते हो। बस थोड़ा सा शेड में रखिएगा, ज़्यादा ओपनली सनलाइट में मत रखिएगा। तो ये दोस्तों अभी भी आपके बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये टाइम अभी है, लास्ट टाइम है दोस्तों पोर्चुल्का के सेव करने का। तो इस टाइम पे आप पोर्चुल्का को भी लगा सकते हो अपने नेक्स्ट सीजन के लिए। दोस्तों इसको सेव भी कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, इन सभी को आप दोस्तों इस टाइम पर लगा सकते हो। अगला आता है दोस्तों आपका धतूरा। धतूरा के दोस्तों फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर आपको इसकी डबल वाली वेराइटी मिल जाती है तो आप इसको भी लगा सकते हो। बहुत खूबसूरत फूल का होता है दोस्तों इसमें, और इसमें सफ़ेद और नीला दोनों तरीके के फूल आते हैं, आप लगा सकते हो। अगला आता है दोस्तों आपका ये कनेर का पौधा। तो कनेर की भी कटिंग दोस्तों इस टाइम पर आप लगा सकते हो। कनेरी कटिंग इस टाइम पर दोस्तों बहुत आसानी से लग जाती है। और जो जाती हुई बरसात है तो इस टाइम पर देखिए आप कोशिश करिएगा कि देखिए ऐसे ये जो व्हाइट डॉट्स वाली देखिए जो ऐसी वाली जो कुछ कटिंग हो उसको लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इजीली आपकी रूट्स निकल आती हैं, आपने ये बात हिबिस्कस में भी देखी होगी। अगला आता है दोस्तों आपका रोज का प्लांट। तो रोज के प्लांट भी दोस्तों आप इस टाइम पर लगा सकते हो कटिंग से। रोज की कटिंग इस टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी। रोज की कटिंग लगाने इस टाइम पर दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अगला है दोस्तों आपका चंपा का पौधा। चंपा का पौधा भी आप इस टाइम पर लगा सकते हो। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे मल्टी कलर्स में भी आपको मिल जाएंगे, प्लस रोड साइड भी आपको दोस्तों ये बहुत जगह पर मिल जाएगा। तो आप लगा सकते हो इजीली, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। अगला है दोस्तों आपका अंगूर का पौधा। तो आप अंगूर की बेल दोस्तों अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप इस टाइम पर अंगूर की बेल भी लगा सकते हो। बहुत खूबसूरत जो है दोस्तों इसकी बेल लगती है, हमेशा ग्रीन रहती है। अगर आप इसको किसी बड़े पॉट में लगाते हो या ग्राउंड में लगाते हो तो बहुत अच्छी इसमें दोस्तों फ्रूटिंग भी होगी। अगला है दोस्तों चांदनी की कटिंग। ये देख सकते हो दोस्तों ये चांदनी की कटिंग है, और देखिए मैंने इसको सीडलिंग ट्रे में लगाया हुआ है, जिसमें दोस्तों कोई कहते हैं यूकेलिप्टस के जो पौधे होते हैं वो इसी सीडलिंग ट्रे में आते हैं। तो वही ट्रे है, उसी में दोस्तों मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी। तो मैंने इसमें देखिए 5 से 6 कटिंग्स तो देखिए मेरी चल ही गई है। देखिए एक ये चल गई है और एक ये भी देखिए ग्रोथ, ये देखिए ये भी ग्रो करने लगी है, एक देखिए ये ग्रो कर रही है, एक ये बैक साइड में देखिए ग्रो कर रही है। और देखिए इसलिए इसमें दोस्तों अगला है आपका कचनार का पौधा। कचनार में दोस्तों वाइट, पिंक, पर्पल, येलो, रेड, पिंक, बहुत सारे कलर्स आते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका येलो वाली वेराइटी मेरे पास है, जिसकी आप देख सकते हैं दोस्तों ये लीफ जो होती है वो थोड़ी छोटी छोटी सी होती है। और देखिए बिल्कुल ये मेरा दोस्तों अभी ये साल भर का पौधा ही हुआ है, और आप देख सकते हो कि पॉट में ही दोस्तों कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, बहुत खूबसूरत दोस्तों फ्लावरिंग करता है। अगला है दोस्तों आपका नागचंपा का पौधा। नागचंपा भी दोस्तों चंपा की सरीखे ही होता है, लेकिन इसकी जो लीव्स की दोस्तों खूबसूरती होती है बहुत अच्छी होती है, प्लस इसकी स्टेम दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी होती हैं। आप चाहो तो कटिंग इसकी बहुत ज़्यादा लगा सकते हो। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगला है दोस्तों आपकी विंका की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाया हुआ है विंका की, क्योंकि मेरा जो मदर प्लांट है देखिए दोस्तों वो अब बिल्कुल सूख सा गया है। तो मैंने काफ़ी सारी विंका की कटिंग्स लगाया है, और इसके दोस्तों सीड्स भी आप लगा सकते हो, बट बहरहाल दोस्तों मेरे इसमें सीड्स अभी बन नहीं पाए तो मैंने इसकी कटिंग्स ही लगा लिया। तो अभी देखिए दोस्तों ये 1 मंथ के अप्रॉक्स की हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो रही हैं। ये कुछ कटिंग्स दोस्तों कट कर लिया था मैंने, तो उसी वही कटिंग दोस्तों ये लग गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही हैं।
अगला है दोस्तों ये आपका मोगरा का पौधा। तो मोगरा की भी दोस्तों कटिंग आप लगा सकते हो, तो जब फरवरी का महीना आएगा उस टाइम पर आपका पौधा दोस्तों अच्छी तरीके फ्लावरिंग पर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप फरवरी के महीने पर ही लगाओगे तो फिर वो बारिश के सीजन में फ्लावरिंग करता है और आप फ्लावरिंग के लिए लेट हो जाते हो। तो आप इसकी भी कटिंग लगाना हो तो आप अभी ही लगा लीजिएगा। अगला है दोस्तों आपका देखिए ये पारिजात का पौधा। और पारिजात देखिए दोस्तों मेरा कितना बड़ा हो गया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो आप इस टाइम पर दोस्तों इसकी भी कटिंग लगाना चाहें लगा लीजिए, और ये नवंबर के महीने से दोस्तों फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी दोस्तों इसकी फ्लावरिंग चल ही रही है और पूरा जो है नवंबर दिसंबर तक इसकी पूरी फ्लावरिंग चलेगी। जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने लगता है तब दोस्तों इसमें केवल फ्लावरिंग नहीं होती, वरना इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी अपने ऑप्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगला आता है दोस्तों आपका टिकोमा का पौधा। ये टिकोमा के पौधे की भी दोस्तों आप कटिंग जो इसकी सॉफ्टवुड कटिंग होती हैं वो आप आसानी से लगा सकते हो, इजीली रूटिंग हो जाती है दोस्तों इसमें। अगला आता है दोस्तों आपका फाइकस का पौधा। फाइकस की आप चाहे तो दोस्तों सॉफ्टवुड कटिंग्स लगा सकते हैं या फिर कोई भी किसी तरीके की मेन स्टेम भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके की आसानी से लग जाती हैं। सेम है आपका दोस्तों ये हाइब्रिड कनेर का, जिसे इंग्लिश कनेर बोलते हैं। इसकी भी दोस्तों आप किसी भी तरीके की कटिंग इस बारिश में लगा सकते हो, ईजिली चल जाती है। अगला है दोस्तों आपका अलमंडा का पौधा। अलमंडा की दोस्तों बेल वाली वेराइटी, बूस वाली वेराइटी, दो की दोनों वेराइटी आप लगा सकते हो, बहुत इजीली लग जाती है, बहुत आसानी तरीके से ग्रो भी हो जाती है, बहुत खूबसूरत कलर में दोस्तों इसके फ्लावर्स आते हैं और कई वेराइटी में भी दोस्तों इसके फ्लावर्स आते हैं, आप आसानी से लगा सकते हो। इसकी हार्डवुड सॉफ्टवुड, मैं तो दोस्तों सॉफ्टवुड प्रेफर करता हूँ अच्छे तरीके के लिए। अगला आता है दोस्तों आपका डायंथस का पौधा। तो इस टाइम पर डायंथस की दोस्तों आप ऊपर की टॉप की 5 से 6 लीफ की जो है कट कर लीजिए और उसको आप आसानी से सैंड में लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये ग्रो हो जाता है। इसी का ही दोस्तों एक मल्टीपेटल आता है जिसको बोलते हैं कार्नेशन, तो आप कार्नेशन भी दोस्तों लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं और हैंगिंग्स में तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे मल्टी कलर ऑप्शंस आते हैं, आप इजीली लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हो। अगला है दोस्तों बालसम का पौधा। बालसम अभी से लगा लीजिए दोस्तों, विंटर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका ग्लैडुलस और जो है तो चांदनी का पौधा। तो आप उनको भी, चमेली का पौधा आप उसको भी दोस्तों इस टाइम पर लगा सकते हो, जिनिया की कटिंग भी दोस्तों आप इस टाइम पर लगा सकते हो। तो होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें जो हमारी अगली वीडियो जो होती है वो हमें किस चीज़ पर लानी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये डहलिया है। तो दोस्तों होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।